हेलो नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल भगेल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग व्हाट्सएप पर बिना टाइप करे उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने फ्रेंड को या किसी भी को भी जिसको आप लोग ऐसा करना चाहते हैं कि आप बिना लिखे किसी को दिखाना चाहते हैं कि मैसेज सेंड हो गया है। तो चाहे पहले क्या होता था कि पहले कुछ बंदे डॉट लिख देते थे, अब ऐसा है कि आप लोग बिना टाइप करे कुछ भी और सेंड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फिर टॉपिक पे कि किस तरीके से करना है और क्या है। जैसे कि आप देखेंगे कि मैंने ऑलरेडी इसे ब्लैंक मैसेज जो है सेंड करके, ये सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर वॉइस का आ रहा है, ये वॉइस का है जहाँ पर आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर हम लोग एच भी लिखते हैं तो ये फॉरवर्डिंग का आ गया मैसेज सेंड करने का। डॉट लिखते हैं तो भी आता है मैसेज सेंड करने का, लेकिन जब हम लोग कुछ लिखते ही नहीं हैं तो यहाँ पर मैसेज सेंड करने का नहीं आता है। तो फिर भी हम मैंने ब्लैंक मैसेज जो है कैसे सेंड किया है, तो फ्रेंड्स ये सब मैं आपको बता दूँगा कि आपको कैसे किया है। तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी, और ये फ्री एप्लीकेशन है, कोई चार्जेस नहीं है इसके। तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, 2 MB के अंदर ही ये एप्लीकेशन है, कोई स्पेस ज़्यादा आपको घेरने वाली भी नहीं है। तो आप इसे काफ़ी लॉन्ग टाइम तक अपने फ़ोन में रख सकते हैं। तो इसकी आप लोग रेटिंग देख सकते हैं, 4.6 रेटिंग चल रही है इसकी ऑलरेडी। तो ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, इम्पटी टेस्ट सेंड ब्लैंक टेस्ट इस एप्लीकेशन का नाम है। आप लोग इसको प्ले स्टोर में डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप लोग इजी तरीके से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाकर। डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाने के लिए आपको बस टाइटल पर क्लिक करना है और आपके डिस्क्रिप्शन का जो हमारा लिखा हुआ है सारा आपकी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। तो आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर लें। मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मेरा ओपन का आ रहा है। आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको इंस्टॉल करेगा। तो इसे ओपन करने के बाद आपका सिंपली ये खुल जाता है एमपीटी टेस्ट, काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में टॉप अप विंडो की तरह खुल जाता है, जहाँ पर आपको कह रहा है कि इसे कॉपी करें या शेयर एमपीटी टेस्ट। कॉपी मीन्स अगर आप लोग कॉपी पे क्लिक करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ कॉपी हो गया है, क्योंकि आप अपने व्हाट्सएप पे जाते हैं और आपको यहाँ पे सिर्फ पेस्ट करना है। पेस्ट करते ही ये देखिए कि ये जो हमारा टाइपिंग का आता है वो कहाँ पे चला गया और फॉरवर्डिंग का आ गया है कि हम लोग यहाँ से मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो ये मैं इसको मैसेज सेंड कर देता हूँ। ये देखिए कि बिना कोई लिखे, ना डॉट लिखा है ना कुछ, और ये मैसेज सेंड हो गया है। खाली और खाली टाइम आ रहा है कि कितने बजे मैसेज सेंड किया है। तो दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन क्या है वो भी देख लेते हैं। शेयर एमपीटी टेस्ट मतलब कि आप लोग यहाँ पर शेयर कर सकते हैं कि किसी को भी हैंगआउट पे और भी अदर सोशल नेटवर्किंग साइट पे जहाँ पर आप लोग करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं शेयर टेस्ट से। तो ये तो हो गया आपका खाली मैसेज सेंड करने का। और कौन सी ट्रिक है व्हाट्सएप पर जो कि आपको नहीं मालूम है, तो फ्रेंड्स मैं आपको उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। तो सेकंड में मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप लोग जान सकते हैं कि हमने मैसेज सेंड किया था इतने बजे और उसने देखा कब। आप एक अनुमान तो लगा लेते हैं कि जब ये मैसेज सीन हुआ है तो ये ब्लू कलर का हो गया, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये ब्लू कलर का हो गया है। तो ये तो आपको पता रहता है कि सीन तब होता है जब ये डबल क्लिक होके सीन हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। लेकिन कब किया था ये नहीं आपको पता चल पाता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे पता चलता है। आपको करना क्या है, सिर्फ आपको जोन से मैसेज का पता करना है, आपको प्रेस करके रखना है। तो आप देखेंगे ऊपर आपके ऑप्शन खुल जाते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे आपका डिलीट का आ रहा है, डिलीट के बगल में आपका एक डिटेल्स का आ रहा है। तो अगर आप लोग यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करते ही आप देखेंगे कि मैसेज जो सेंड किया था 19 जनवरी को 11:03 पे, ठीक है। और ये सीन कब हुआ है वो देख लीजिए आप, जनवरी 20 तारीख को।
तो इस तरीके से आप लोग ये पता कर सकते हैं कि हमने मैसेज सेंड किया था इतने बजे और जो सीन किया है वो इतने टाइम पर किया गया है। तो इस तरीके से आप लोग पता कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप लोग किसी चीज़ का जवाब देते हैं। जैसे कि आपके पास बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं आपके फ्रेंड के और वो क्वेश्चन करता है कि ये फलाना ढिमकाना बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए उसने, तो आप उसको कैसे आंसर देंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इसने यहाँ पे लिख दिया है इसका आपको जवाब देना है, तो किस तरीके से दिया जाएगा आपको जवाब, तो आपको यहाँ प्रेस करके रखना है, ठीक है। तो प्रेस करने के बाद आप लोग ऊपर ऑप्शन देखेंगे, सबसे पहला वाला आप लोग यहाँ पे क्लिक करें और ये देखिए किस तरीके से इसने सॉर्ट कर दिया है कि ये इन्होंने ये पूछा था और मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। तो जैसे कि हाई है तो हाई का मैं इसका आंसर देने वाला हूँ और इसको सेंड करने वाला हूँ। तो ये देखिए किस तरीके से उसका क्वेश्चन भी आ रहा है और हमारा आंसर भी आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग किसी ज़्यादा मैसेज कोई कर देता है आपका फ्रेंड या कोई भी फैमिली मेम्बर जो भी है, तो आप उसका आंसर देते हैं तो फिर वो दोबारा क्वेश्चन करता है कि किसका आंसर दिया है ये भी तो बता। तो लेकिन आप लोग प्रेस करके रखेंगे और फर्स्ट वाला जो मैंने बताया आपको इस तरीके से करते हैं तो आप उनको भी लगेगा कि हाँ इसका मेरा ये क्वेश्चन था और इसने ये आंसर दिया है, तो हल हो जाएगा और कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग किसी को भी ऐसे मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो ये ट्रिकें जो है मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, तो और भी मैं WhatsApp के लिए और ट्रिक लेकर आने वाला हूँ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ मैं आपके लिए यूज़फुल वीडियो लेकर आता रहता हूँ। जैसी मेरी कोई नेक्स्ट वीडियो आएगी WhatsApp पर, हालांकि मैं और भी वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन जैसी ही आएगी तो आपको पता चल जाएगी और आप लोग हमारी जो WhatsApp की ट्रिकें हैं वो जान सकते हैं और कैसे बात करने हैं लोगों को किस तरीके से, तो आप लोग एक्टिव रहेंगे हमारे साथ। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो।